A person holding a rifle, mass of person and rifle together is 100 kg. Stands on a smooth surface and fires 10 shots horizontally in 5 seconds. Each bullet has mass of 10 gram. ठीक है? With a muzzle velocity of 800 meter per second. Muzzle velocity मतलब जिस velocity से निकल रही है bullet. And the average force, तो हमें find the final velocity acquired by the person and the average force exerted on the person. तो सबसे पहली बात situation समझ लेते हैं कि एक आदमी है, वो क्या कर रहे हैं, rifle लिए है, मस्त वाली गोली लिए है, लंबी, और दोनों का mass मिला के 100 kg है. इसके बाद जब ये फायर करता है, क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ है तो ये फायर करेगा तो ये खट 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 पीछे जाने लगेगा एक्शन रिएक्शन की वजह से. तो आपसे पहले पार्ट में यही पूछा गया है कि इसकी जो पीछे जाने वाली वेलोसिटी है वो क्या होगी. ये आपका अजम्पशन हो सकता है कि इस 100 केजी के सामने 10 ठो बुलेट्स जो फायर की गई हैं उनका मास नेग्लिजिबल है. ठीक है, तो चलिए इनिशियल मोमेंटम क्या है भाई, अभी ना गोली चलाई गई है और ना ही आदमी चल रहा है, तो इनिशियली मोमेंटम जीरो होगा, है ना, मास 100 मल्टीप्लाइड बाय जीरो होगा. लेकिन अब जब गोलियां चल गई हैं तब क्या होगा, मास ऑफ पर्सन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ पर्सन, पर्सन प्लस गन है ये, बड़ा है, ठीक है, और मास ऑफ बुलेट्स, ऑल द बुलेट्स फायर्ड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. ऐसा हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होगा, मास ऑफ पर्सन क्या है अपना 100, वेलोसिटी हो गई v, ये हो गया 0. लेकिन देखिए m यहां पे एक अकेला नहीं है, सारी बुलेट्स का हमें लेना पड़ेगा. हर बार वेलोसिटी उसकी, हर बुलेट फायर होने पे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाए, तो हम लोग सारी बुलेट्स का ही मास लिए ले रहे हैं. 10 बुलेट्स फायर की गई, ठीक है, और उसके बाद टाइम की 10 बुलेट्स फायर की गई, हर एक बुलेट का मास आपको 10 ग्राम दिया गया है, तो 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ऐसे कर लेंगे, तो ये एक तरीके से 0.1 केजी हो गया, है ना, एम कितना हो गया 1/10, तो 1/10, और ये वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है हम लोगों को दी गई है 800, तो ये कट गया और ये कट गया. ठीक है, तो अब 100v इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू 0. अब ये देखिए ये इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -0.8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, This is the final velocity acquired by the person. ठीक है, अब अगला पोर्शन जब करेंगे हम लोग तो हम लोग को करना है एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द पर्सन. तो यहां पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. देखिए फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, फोर्स इज इक्वल टू dp/dt. अब ये चीज काफी डिटेल में एनसीईआरटी और नूतन दोनों में बताई गई है. मोमेंटम क्या होता है, mv. तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन मास चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी इनटू dm/dt. अच्छा वीडियो सही करते हैं, मुझे तो यहां से दिख रहा है, चलो dm/dt हम लोग निकालते हैं. देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि भाई 10 गोलियां 10 ग्राम की फायर की गई हैं, ठीक है, और टाइम कितना लगाया उन्होंने, 5 सेकंड लगाया है. ठीक है, तो 10 × 10/1000 टाइम कितना लगाया, 5 सेकंड, तो ये कितना हो गया, ये कट गए 0.1/5. ठीक है,
इसको आप लिख सकते हैं 1/50, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी आपको दिया गया है 800 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 50, ये 5 और 80 काटेंगे तो हो जाएगा 16, तो दिस इज 16 मीटर पर 16 क्या होगा, फोर्स है ना, तो फोर्स हो जाएगी न्यूटन, बस। तो 16 न्यूटन एक आंसर हो गया और 0.8 मीटर पर सेकेंड एक आंसर हो गया, दोनों को मिलाया तो जो यहां पे लिखा है हो गया ऑप्शन बी।